नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा लूसेंट बुक से क्वेश्चन लेके आ जाऊँ और लूसेंट बुक में क्वेश्चन ला जाऊँ 6, बट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को डिस्कशन करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कोणीय त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कोणीय त्वरण का ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन यानी कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है, एक होता है रेडियन पर सेकंड। ये तो आपका किसका यूनिट है? केवल मात्र एक्सिलरेशन का होता है। और ये किसका है? एंगुलर यानी एंगुलर, आपने देखा होगा इस प्रकार एंगुलर यानी कोणीय, वो वृत्तीय। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इससे यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट, रेडियन होता है यानी इसका एंगल नापे तो थीटा, ये किस में नापा जाता है? थीटा में। तो इसलिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर एक्सिलेशन होता है इसका ऐसा यूनिट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? इसका होता है तुम्हारा न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एफ अपॉन क्यू, एफ का यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन और कूल आवेश का मात्रक होता है कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। या इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, या इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। जबकि इनमें से कौन सा? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ये इसका राइट आंसर है। तो आपके 2 क्वेश्चन हुए, इनको हटा देता हूं। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का आपको मैंने बता दिया न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब आता है डायन। डायन प्रति सेकंड मात्रक है। डायन यानी होता है बल का मात्रक, बल का न्यूटन होता है, लेकिन जो सीजीएस यूनिट है बल का, तो यानी न्यूटन प्रति सेकंड, यानी ये होता है आवेग। आवेग बराबर, आवेग का जो सूत्र होता है एफ इंटू टी, यानी बल का सीजीएस यूनिट लिखा है इसमें डाइन, डाइन और इंटू समय का मात्र होता है सेकंड, समय का मात्र होता है सेकंड। डाइन इंटू सेकंड किसका यूनिट है? आपका यूनिट है आवेग का। किसका यूनिट है? आवेग का। किसका यूनिट है? आवेग का यूनिट है। अब आता क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉन एक न्यूटन बराबर होता है, एक होता है आपका एक न्यूटन, यानी एक न्यूटन में होता है। इसको हटा देता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे मैं उनको हटाता जाऊंगा। एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, डाइन। देखिए ऑप्शन में 2 होते हैं, एक 10^5 होता है, एक 10^5 होता है डाइन, बट ये आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन आपका सही आंसर होता है 10^5 डाइन, 10^5 यानी आपका पहला ही ऑप्शन ठीक है। इलेक्ट्रॉन